नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल साइंस, इंडिया और इंटरनेशनल जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न आगामी SSSC, HSSC, RPSC, रेलवे, आर्मी इत्यादि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। शुरू करते हैं पहला प्रश्न। स्वयं सहायता समूह SHG में बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन सी, समूह के सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता? ऑप्शन सी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन सी, आयरलैंड से। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, किस अधिकार से। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यातमन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन बी, बाणभट्ट। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन सी, कायांतरित। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकृत ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? ऑप्शन सी, वलियन जाति। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेपस अंतराल स्थित होता है? ऑप्शन ए, दो तंत्रिका कोशिका। कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसंकुर कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा या वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्युत धारा। वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं? ऑप्शन ए, ढालू सड़क या सड़क की बैकिंग। C++ रिक्त स्थान है। ऑप्शन बी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समभारिक या आइसोबार क्या होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न या डिफरेंट होती है लेकिन द्रव्यमान मतलब कि मास नंबर समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? हेमेटाइट लोहा, पिच ब्लेड तांबा, मोनाजाइट थोरियम। जैसा कि जो हेमेटाइट है वह अयस्क होता है लोहे का, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क होता है, लेकिन जो पिच ब्लेड है वह तांबा का अयस्क नहीं होता क्योंकि पिच ब्लेड एक रेडियो एक्टिव है जो यूरेनियम का अयस्क होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन गलत है क्योंकि जो तांबे का अयस्क होता है मुख्य तौर से चालको पाइराइट होता है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, वर्ष 2005 में। सातवें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर रिक्त स्थान बरकरार रखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 3%। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। F1 रेस 2017 दी गई है, उसके विजेता दिए गए हैं।
F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स, F1 चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2017 में आयोजित हुई और विजेता हैं सेबिस्टियन वेटल, लुइस हैमिल्टन, वालेट्री बोतास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे सेबिस्टियन वेटल, F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स के जो विजेता रहे वो वालेट्री बोतास, F1 चीनी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे लुइस हैमिल्टन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? दिए गए ऑप्शन है अमजद अली खान तपला वादक, उस्ताद बिस्मिल्ला खान सेनाई वादक, हेमा मालिनी भरतनाट्यम, शंभू महाराज कथक वादक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमजद अली खान तबला वादक नहीं है, वो सरोद वादक हैं। और अमजद अली खान का जन्म 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ और भारत सरकार ने इनको वर्ष 1975 में पद्मश्री, वर्ष 1991 में पद्म भूषण और वर्ष 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वर्ष 2016 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बाब डिलेन। द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन डी रूपा पाई, और यह पुस्तक 2 अगस्त 2015 को पब्लिश हुई। 2017 में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक गठबंधन के 25वें साल का जश्न मनाया? ऑप्शन सी इज़राइल। किस एशियाई देश ने वर्ष 2016 में डुज पुल, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क पुल को उपयोग करने के लिए खोला है? ऑप्शन ए चीन। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।